है ना, अनगिनत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको जवाब जो भी देना है वही बत्ती बजाएंगे। अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से यानी नंद बहू सास में से जो जवाब इस पर बनता है उसकी बत्ती बजा दे, हम समझ जाएंगे। आप लोगों के लिए भी यही है। पहला सवाल, घर में अक्सर यानी अक्सर का मतलब कि ज्यादातर फसाद का बायस कौन बनता है? बहुओं ने कहा नंद, नंदों ने खुद ही कहा नंद, और सासों ने क्या कहा? नंद। Because नंद is always, मैंने कहा था नंद is the one जो आप चलाती है। मैं भी नंद हूँ, मैं भी नंद हूँ, जाती हूँ बेचारी हमेशा मुश्तरका। अच्छा वैसे क्यों लगता है आप लोगों को, क्यों लगता है? चलिए देखे, कोई पॉइंट देखे, सास तो वैसे बेचारी बदनाम है कि वो झगड़े करती है, नंद पे जुल्म, बहू पे जुल्म करती है। बहू भी ये होता है कि बहू आते हैं हंगामे, लेकिन मेन जो होता है ना बीच में जो होता है ये नंद होती है, जो इधर की बात उधर माँ के कान भरना और भाभी की तरफ भाई की तरफ, तो सारी जो झगड़े की मुझे जड़ लगती है ना वो होती है नंद, जो नजर नहीं आती इनविजिबल, लेकिन वो सारी आग उसी की तरफ। और सबसे ज्यादा उसको यही होता है ना कि वो अपने घर में जैसे रही है, भाभी का अपना तरीका होता है सारा, कहती ये मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर से क्यों आ गई, आप मुझे तो डांटती नहीं थी, इसको मुझे इतना डांटती थी, इसको नहीं डांटती है, ये क्यों ऐसा करती है, सो के क्यों उठती है, तो वो सारे बहुत सारी लिस्ट होती है, तो उसको चेंजेस नजर आ रहे होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करती है, मुझे लगता है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस तरह होती नहीं है, तो फिर उनको लगता है कि अच्छा अब का एनर्जी लगाएं। अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना बेटियां माँ बाप के जो दर्द होते हैं ना उनको कुछ ज्यादा फील करती है, खासतौर पर जब बेटियों की शादी हो जाती है, जब वो वहाँ नहीं रह रही होती, मैं तबका बता रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब उनकी माँ या उनका बाप कुछ अपने थोड़े से दुखड़े रोता है या उसको वो हर्ट हुआ होता है, तो अगर नंद से डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं होता ना बहू का, तो नंद का ना कुछ होता है अंदर की, मेरी माँ के साथ, मेरी माँ, मेरी बाप के साथ, जिस घर में वो रह के गई है उस घर में, जिस घर की बात नहीं होती वो उसके रिश्तों की बात होती है, कि माँ के लिए बेटी स्पेशली जब उसकी शादी हो जाती है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। मुझे अगर आप इसको इस रुख पे देखें तो आपको समझ आएगा, और आप इसको इस रुख पे भी देख सकते हैं कि लेकिन चलो अपने माँ बाप के साथ ठीक है, लेकिन जब उसके हस्बैंड अपने भाई के साथ जब कोई चीज़ होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आग में तेल डालने वाला जो हिसाब किताब है वो नंदी करती है। हाँ। कि जो हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको कोई रीज़न ही नहीं बनता कि आप पार्टिसिपेट करें। चले आपने माँ बाप के लिए स्टैंड लिया वो बात बहुत ठीक कही है, लेकिन उसके बाद आप जब मियाँ बीवी के पर्सनल मैटर्स है ना उसमें जो आप आके इंटरफेयर करते हैं और फिर उसके आप बोलते हैं कि नहीं ये तुमने सहा कैसे, उसने बर्दाश्त कैसे किया, तुम तो जोरू के गुलाम हो गए हो, तुम ये हो गए, तो दिस इज नेगेटिव। आप बिल्कुल सही कह रही हो, अक्सर घरों में कहते हैं ना बहू को बर्दाश्त करना है, सास को बर्दाश्त करना है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बर्दाश्त नंद को भी करना चाहिए, उसको अपने एक्सप्रेशन। हाँ, उस देखो दिल में ये आएगा, जब माँ बाप का दिल दुखेगा तो खुदा की तरफ से ये होगा, आपका खून ऐसा अट्रैक्शन होती है ना दिल में आएगा, तो एक वैसे ही होती है। अगर कोई किसी को ये भी होता है कि इसको ज्यादा अहमियत मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।